मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा और बसपा को जोर का झटका लगा है। दोनों दलों के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी और बसपा को लगा यह झटका चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं। मैहर में कई नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं बसपा के भी कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए संजय राय ने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। उनका परिवार काफी समय से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। जिस उद्देश्य के लिए वो भाजपा में थे उस उद्देश्य की पूर्ति वहां नहीं हुई। संजय राय ने कहा कि मेरी विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती। कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेश घई मैहर के लिए बेहतर विकल्प है। मैं घर वापसी कर रहा हूँ। मैं लंबे समय तक अपने जन्म से मेरा परिवार और मैं कांग्रेस में ही थे। बीच में कुछ मनभेद होने से हम भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन जिन उद्देश्यों को लेकर हमने भारतीय जनता पार्टी में प्रयास किए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति हमारी संभव नहीं हो पा रही थी। जो हमारी विचारधारा थी उनसे मेल नहीं खा पा रही थी। प्रयास किया, लंबे समय तक प्रयास किया, लेकिन जब मुझे ये दिखाई देने लगा कि मैं अपने क्षेत्र शहर और अपने साथियों के लिए उस तरह से काम नहीं कर पाऊंगा जिस तरह मन में भावना है, और कांग्रेस पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया वो मुझे बेहतर विकल्प मैहर के लिए दिखाई दे रहा है, तो मैंने अपनी ऊर्जा उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया, इसलिए मैंने अपनी घर वापसी की। बहुजन समाज पार्टी को अलविदा बोल कांग्रेस का हाथ थामने वाले नागेंद्र पटेल ने कहा कि वो कांशीराम की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पर बसपा के अंदर जो नेता काम कर रहे हैं उन्होंने कांशीराम की विचारधारा को त्याग दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ा था, 1993 में जुड़ा था पार्टी में, 30 साल मैं उनकी विचारधारा में रहा, लेकिन आज जो इस दल का हमारा काम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ प्रभारी लोग वो उनकी विचारधारा से खुद हट चुके हैं। जब वो विचारधारा इसलिए हम उसे छोड़ कांग्रेस ज्वाइन। कांग्रेस में शामिल हुए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर ये सभी नेता हमारे दल में आए हैं, इन सभी का स्वागत है। वहीं भाजपा को निशाने पर लेते हुए राजमणि पटेल ने कहा कि भाजपा की पोल अब खुल चुकी है। ये प्लान जो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में किसानों को, नौजवानों को, गरीबों का जो ठगने का प्रयास किया है, अब भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है और आम जनता जानने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, और लोगों को विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में इस देश के किसानों का, गरीबों का हक अधिकार सुरक्षित नहीं है, उसके विचारधारा में उनका स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित नहीं है। इस वजह से जिसमें बुद्धि है, समाज बुद्धिजीवी आदमी है, जो सोचता है, विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, वो सब कांग्रेस से नफरत करने लगे हैं, और बड़े आशा विश्वास के साथ में लोग गए थे भाजपा में, लेकिन जब वहाँ निराशा मिली तो अपने घर हमारे राय साहब जो है वापस आ गए, उनका स्वागत है। इन तमाम नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से मध्य प्रदेश और खासतौर पर मैहर में कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। मैहर से कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई ने कहा कि ये बदलाव की बयार है। मैहर में कांग्रेस पार्टी का पूरा संगठन एकजुट होकर पार्टी के लिए काम कर रहा है। मैहर में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। भाजपा की नीतियों, इनकी जो कुरीतियों के खिलाफ आज पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ मैहर भी बदलाव की ओर है। आज हमारे साथी आदरणीय संजय राय जी, नागेंद्र अपने लल्लू भैया पटेल जी और मनीष पटेल जी आज हमारे कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, और मुझको पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर कांग्रेस को मैहर से जिताएंगे और मैहर से कांग्रेस का विधायक बनेगा, उसको आशीर्वाद मिलेगा और हमारा पूरा संगठन, पूरा कांग्रेस का परिवार एकजुटता के साथ इस समय कांग्रेस के साथ में है और हम सब मिलकर कांग्रेस को मैहर से जिताएंगे। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच, हर रोज दखल न्यूज पर।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।